इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पोस्चुरल ड्रेनेज के बारे में, जिसमें इसका कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, गोल, टेक्निक्स, ये सारे चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोस्चुरल ड्रेनेज क्या है? पोस्चुरल ड्रेनेज इज अ टेक्निक यूजेस ग्रेविटी टू हेल्प ड्रेन म्यूकस इनटू द माउथ बाय प्लेसिंग द बॉडी इन स्पेसिफिक पोजीशन। ईच पोजीशन ड्रेनिंग सेक्रेशन डिफरेंट एरिया लोब्स इन द लंग्स द म्यूकस स्लोली मूव्स टू द माउथ वेयर इट कैन बी स्प्लिट आउट। तो पोस्चुरल ड्रेनेज क्या है? एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ग्रेविटी के हेल्प से जो भी म्यूकस जमा हो जाता है अंदर सेक्रेशन, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? अलग अलग इसका पोजीशन है जिसमें ड्रेनिंग सेक्रेशन कर सकते हैं। अलग अलग लोब्स के लिए अलग अलग पोजीशन होता है, ताकि अलग अलग लोब में जो भी सेक्रेशन जमा हुआ है उसको निकाल सके और फिर उसके बाद वो माउथ से स्प्लिट आउट कर सके। द पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक इंक्लूड टेक्निक लाइक परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग, वॉलेंट्री कफिंग एंड सक्शनिंग। ये सारा चीज यूज होता है पोस्चुरल ड्रेनेज के टेक्निक में। इट इज इफेक्टिव इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस एंड अदर पल्मोनरी डिजीज। ये क्या है? बहुत इफेक्टिव होता है उस केस में, जैसे हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में और अदर पल्मोनरी जो भी डिजीज होता है उस सारे केस में। ऐसे जो इंडिकेशन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। व्हेन सेक्रेशन आर मूव टू द लार्जर एयरवे दे आर देन क्लियर बाय कफिंग और एंडोट्रैकियल सक्शनिंग। जब सेक्रेशन लार्जर एयरवे में आ गया जहाँ से वो फंसा हुआ है, तो यहाँ से वो क्लियर कैसे होता है? कफ के थ्रू या फिर एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के थ्रू हम लोग इसको वहाँ से क्लियर कर देते हैं। नॉर्मली न्यूली फॉर्म सेक्रेशन आर मॉइस्ट एंड थिन वाइल इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक COPD या एक्सेट्रा द सेक्रेशन आर थिक एंड नॉर्मल mechanism of ejection is not sufficient to remove this thick secretion to keep the passage clear. Normally क्या होता है, जो भी secretion newly form होता है वो क्या होता है, thin होता है या फिर वो moist रहेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे कि patient हो गए COPD के और भी डिजीज हो गए, तो उस केस में सिक्रेशन जो क्या होता है वो थिक हो जाता है और वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म, जैसे नॉर्मली कफ बाहर आता है या सिक्रेशन जो भी जमा होता है वैसे वो बाहर नहीं आ पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये टेक्निक पोस्चुरल ड्रेनेज टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं। इफ इट बिकम स्टैग्नेंट देन दिस कॉजेज, क्या होता है कि अगर ये सारा जो सिक्रेशन जमा हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम का क्रिएशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। जैसे कि हो गया चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, लेथार्जी, फटीग। चेस्ट पेन हो सकता है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, बहुत जल्दी थक सकते हैं, बहुत थका हुआ फील होगा, आलस जैसा फील होगा। अब समटाइम्स इन्फ्लेम्ड एक्सुडेट इज ऑल्सो सो विसिड दैट एडियर टू द वॉल ऑफ ट्यूब और मे हैव कलेक्टेड इन कैविटीज। एट दैट टाइम सर्टेन स्टेप्स लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, परकशन ऑफ चेस्ट एंड विल हेल्प टू लूजन द म्यूकस। क्या होता है कि ये सारे केस में, जैसे कि जहाँ पे एक्सुडेट जो होता है वो अगर उनका इन्फ्लेम्ड हो गया तो क्या होता है, वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, थिन होता है, तो लेकिन ये गाढ़ा हो जाता है तो वो जाके वॉल में, जो ट्यूब के वॉल में जाके चिपक जाता है। तो सर्टेन उसका स्टेप क्या हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, परकशन क्या कहते हैं, इसके वजह से वो लूज हो जा सकता है और हम लोग बाहर उसको निकाल सकते हैं। अब आते हैं इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, एटेलेक्टेसिस, लंग एब्सेस, निमोनिया, COPD, जिसमें आ गया इम्फाइसिमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फॉर पेशेंट विच हैव हायर स्पाइनल कॉर्ड लीजन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आफ्टर सर्जरी दैट इज थोरेसिक और एब्डोमिनल सर्जरी, पेशेंट रिसीव जनरल एनेस्थीसिया एंड हैव पेनफुल इंसिजन दैट रिस्ट्रिक्ट डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग पोस्ट ऑपरेटली, दोज हु आर ऑन प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। ये सारे केस में हम लोग देख सकते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज, जैसे कि पेशेंट जिनको एनेस्थीसिया दिया गया है और बहुत पेनफुल इंसिजन हुआ हुआ है, उनके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्रीदिंग, तो उनको कफ लेने में बहुत दिक्कत होता है। अब आते हैं कंट्रा इंडिकेशन। अनस्टेबल हेड और नेक इंजरी, एक्टिव हेमरेज, हिमोप्टेसिस, रिसेंट स्पाइनल इंजरी, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, रिबर वर्टिबल फ्रैक्चर, ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक अरिथमिया। ये सारे केस में नहीं देते हैं।
कंट्राइंडिकेशन हो गया, जैसे हेड और नेक इंजरी हो गया, उसमें इसलिए भी नहीं देते क्योंकि यहाँ पे पोस्चर चेंज करके हम लोग यहाँ पे पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक देते हैं अलग अलग लोब्स के लिए, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए उस केस में देते हैं। हिमोप्टेसिस मतलब कब से उनका ब्लड आ रहा है, इस केस में भी नहीं देंगे। हेमरेज हुआ हुआ है, ये सारे केस में नहीं देंगे। अब आते हैं इसका गोल क्या है। प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, इंप्रूव ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन, इंप्रूव कार्डियोपल्मोनरी टॉलरेंस, इंप्रूव फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। तो उस अक्यूमुलेशन जो सिक्रीशन जो जमा हो गया है उस केस में भी पोस्चरल ड्रेनेज देते हैं, और उनके ड्रेनेज को सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, उनका कार्डियोपल्मोनरी टॉलरेंस इंक्रीज कर सकते हैं, उनका जो फंक्शनल कैपेसिटी होता है लंग्स का उसको भी इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। तो डिक्रीज द रिस्क ऑफ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है पल्मोनरी, ये सारा केस में पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक देते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। देयर शुड बी नो टाइट क्लॉथ एज इट कैन इंटरफेयर विद थोरेसिक मूवमेंट। टाइट क्लॉथ नहीं पहनने का एडवाइस करें क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कराना है चेस्ट का, तो टाइट क्लॉथ देंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। देयर मस्ट बी एडिक्वेट पिल्लो, यहाँ पे पिल्लो का बहुत जरूरत है क्योंकि अलग अलग पोस्चर में देते हैं, पोजिशन में देते हैं पोस्चरल ड्रेनेज, इसलिए तकिया का भी बहुत यूज है। चेक फॉर वाइटल साइन एंड एस्कल्टेट, वाइटल साइन चेक करेंगे और तब इसको एस्कल्टेट करेंगे। द स्पूटम मग मस्ट बी प्लेस्ड विद इन ईजी रीच ऑफ द पेशेंट, ये क्यों करते हैं, ताकि जो तुरंत कफ जो निकले हम लोग पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक के बाद वो पेशेंट वहाँ पे बाहर निकाल सकते, इसलिए कफ मग पास में होना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीड्योर भी बता देंगे कि वो क्या क्या है। अब आते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। टेक्निक शुरू करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए लंग्स में कौन कौन सा लोब्स है और कितने लोब्स है। तो इच लंग्स हैव 10-10 सेगमेंट, क्या होता है कि दोनों लंग्स के पास 10-10 सेगमेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लैटरल व्यू में, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। राइट लोब हो गया अपर लोब में डिवाइड होता है, मिडल लोब में, लोअर लोब में, और लेफ्ट जो होता है अपर लोब एंड लोअर लोब ऐसा डिवाइड होता है। अब टोटल कैसे डिवाइड है वो देखते हैं। तो अपर लोब में हो जाएगा एपिकल लोब, पोस्टीरियर, एंटीरियर, फिर आता है मिडल में लैटरल और मिडल लोब, फिर आता है लोअर लोब में पोस्टीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर बेसल, लैटरल बेसल और एंटीरियर बेसल, ये हो गया टोटल 9। अब एक जो है वो एपिकल लोब एक और होता है जो कि लैटरल व्यू में नहीं दिखता है। अब आते हैं लेफ्ट लोब पे, तो ये अपर और लोअर में डिवाइड होता है। तो अपर में क्या आएगा, पोस्ट बेसल, एपिकल, इंफीरियर लिंगुअल, सब लिंगुअल, उसके बाद लोअर लोब में आता है एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल, पोस्ट बेसल और सुपीरियर, इसमें भी एपिकल जो होता है वो कवर होता है तो ये नहीं दिखता है। तो वो क्या करते हैं और दूसरे व्यू से देखते हैं। ये लैटरल व्यू हो गया, ये हो गया टोटल ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। अब इसका टेक्निक क्या है, ये तो यहाँ पे मैनुअल टेक्निक के बारे में डिस्कस किए, परकशन, वाइब्रेशन, सेकिंग, वॉलेंट्री कफिंग और सक्सनिंग, ये सारा को डिटेल में अब पढ़ते हैं क्या क्या है। परकशन के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो परकशन क्या है, चेस्ट क्लैपिंग इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हैंड का पोजीशन, इस तरह से होना चाहिए परकशन में। परकशन इज परफॉर्म विद कप हैंड ओवर द पेशेंट चेस्ट वॉल, कंटिन्यूड फॉर सम मिनट, रिदमिक क्लैपिंग विद लूज रिस्ट, फोर्स शुड बी इक्वल, नॉट डन बाय बोनी प्रोमिनेंस के थ्रू नहीं होना चाहिए। इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो लूज कर देता है सेक्रेशन को लंग्स से, तो जो चिपका हुआ है वो हट जाता है। अब आते हैं वाइब्रेशन पे, तो वाइब्रेशन को इस तरह से हैंड होना चाहिए, इसका करेक्ट पोजीशन यहाँ पे शो किया हुआ है। वाइब्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए फाइन ऑसिलेशन ऑफ ए हैंड डायरेक्टेड इनवर्ड अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, इट इज अप्लाइड बाय बोथ हैंड डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड ओवर द चेस्ट वॉल एंड जेंटली कंप्रेसिंग एंड रैपिडली वाइब्रेटिंग द चेस्ट वॉल एज द पेशेंट ब्रीद आउट। वाइब्रेशन क्या होता है, फाइन ऑसिलेशन इसमें कंसिस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं थेरेपिस्ट अपना हाथ को, दोनों हाथ को लेकर के इनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे ताकि वो और रैपिडली वाइब्रेट करेंगे ताकि, और जिस समय वो पेशेंट ब्रीद आउट कर रहा होगा। अब आते हैं सेकिंग, इट इज़ ए मोर विग्रस देन वाइब्रेशन, ये सेम वाइब्रेशन की तरह ही है बस इसमें विग्रस होता है। अब आते हैं अलग अलग लोब का अलग अलग पोजीशन क्या होता है। अपर लोब के लिए यहाँ पे अगर एपिकल सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये वाला पोजीशन है, इस पोजीशन में ही करेंगे यहाँ पे पोस्टरल ड्रेनेज। अब आते हैं एंटीरियर, इस पोजीशन में करेंगे, यहाँ पे है ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ बोथ लोब, लोअर लोब दोनों लोब्स के लिए। अब आते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में इस तरह से करेंगे ड्रेनेज ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट एंड अपर लोब, मिडल लोब के लिए हो गया
ये फुट और बेड के बीच में रेज होना चाहिए 14 इंच। ये डायग्राम में सो नहीं है बट ऐसा होना चाहिए। लोअर लोब में आ गया एपिकल और ये हो गया एपिकल और सुपीरियर के लिए। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लो, यहाँ पे अपर लोब्स के लिए है एंटीरियर सेगमेंट या एपिकल सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए ये सारा है टेक्निक। मिडल लोब के लिए हो गया, फिर लोअर लोब्स के लिए, सारे के लिए ये शो किया हुआ है राइट और लेफ्ट दोनों में, और इससे पहले जो था वो सिर्फ राइट के लिए यहाँ पे डायग्राम बना था। थैंक्स एवरीवन। तो मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल डॉग फिजियो आर है और मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी एक्सरसाइज थेरेपी और अदर